अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपके लिए एक और बिजनेस आर्ट का डिज़ाइन लेकर आई हूँ, जो कि बहुत सिंपल सा है और लेकिन बहुत सिंपल सा डिज़ाइन है। तो आज की वीडियो में हम जो है बिजनेस कार्ड देखेंगे। तो जो नेक्स्ट वीडियो है इसमें हम इसी बिजनेस कार्ड का जो है ना लेटर हेड भी बनाएंगे, ठीक है। तो क्योंकि आपको मैं बताती चलूँ कि जो अक्सर क्लाइंट आते हैं हमारे पास, तो वो पूरी स्टेशनरी की भी डिमांड करते हैं हमारे पास, ठीक है। तो उसमें सिर्फ लोगो भी होता है, बिजनेस कार्ड भी होता है, लेटर हेड होता है, एनवेलप्स होते हैं, आईडी कार्ड वगैरह होते हैं। तो मतलब इसको हम कंप्लीट स्टेशनरी कहते हैं। तो इंशाल्लाह एक एक करके हम इन सबको देखेंगे, ठीक है। तो आज हम ये सिंपल सा एक बिजनेस कार्ड बनाएंगे, ठीक है। आने वाली मजीद वीडियोज़ में हम इसका लेटर हेड बनाएंगे, फिर एनवेलप देखेंगे, फिर कप्स पे डिज़ाइन किया जाता है, ठीक है। तो हम उनकी तरफ भी मूव ऑन करेंगे, ठीक है। तो अभी हम साइज़ ले लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। सेम मैंने साइज़ लिया हुआ है, 3.5 इंचज़ बाय 2 इंचज़ है, ठीक हो गया। आर्ट बोर्ड क्योंकि फ्रंट एंड बैक है तो उसके लिए 2 होनी चाहिए। इंचीज़ में हम लेते होते हैं। नाम अभी मैं सेलेक्ट नहीं करी, तो मैं क्या करती हूँ, क्रिएट कर देती हूँ, ठीक हो गया। अब सबसे फर्स्ट पे क्या था मेरे पास, पहले तो मुझे ये कलर चाहिए, तो मैं क्या करती हूँ, एक यहाँ पर एक स्केल ले लेती हूँ और आई ड्रॉपर टूल से मैं इस पर एक कलर दे देती हूँ, ठीक हो गया। ये कलर मैं यहाँ उठा के ले जाती हूँ। सेकेंडली मैं क्या करती हूँ, आई ड्रॉपर टूल अगेन लेती हूँ, देन इसका कलर चेंज कर देती हूँ और यहाँ से इसको मैं उठा के अपने दूसरे डिज़ाइन में ले जाती हूँ। थर्ड ये भी आई थिंक सो, थोड़ा ये दोनों कलर सेम है मेरे पास, ओके। अब हम क्या करते हैं, एक स्केयर बना लेते हैं, सॉरी रेक्टेंगुलर बना लेते हैं, ठीक हो गया। मैंने क्या किया, एक रेक्टेंगुलर बना लिया, जिसका कलर क्या होना चाहिए, मेरे पास ये वाला कलर होना चाहिए। या तो आप यहाँ से जो टूल आ रहे हैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, या कीबोर्ड से आप आई प्रेस करेंगे तो आपके पास आई ड्रॉपर टूल आ जाएगा। तो ये आ गया मेरे पास, यहाँ से हम इसे क्या कर लेते हैं, एडजस्टमेंट कर लेते हैं, ठीक है। आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि ये क्या होना चाहिए, अलाइन टू आर्ट बोर्ड होना चाहिए। तो इससे क्या होगा, ये करेंगे, अगर मैं इसको ऐसे करूँ तो आप देखेंगे अलाइन हो गया, अगर मैं इसको ऐसे करूँ तो ये जब ऊपर करेंगे तो ये क्या चीज़ हो जाती है, इसकी अलाइनमेंट हो जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड चीज़ थी, हमने ये बनाना है। फिर आपने यहाँ से क्या करना है, रेक्टेंगुलर टूल ही सेलेक्ट करना है, यहाँ से पकड़ के एक जो है ना ऐसे कर लें। इसका कलर हमने क्या रखना है, ये वाला कलर रखना, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ यहाँ पर। जूम करने के बाद आपने जो है ना डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेना है, इस पर क्लिक करें तो आपको ये पॉइंट्स नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। तो आपने इस ये पॉइंट सेलेक्ट करना है और शिफ्ट प्रेस करके इसका सेकंड पॉइंट सेलेक्ट कर लेना, और इसको ऐसे खींचेंगे तो ये इस टाइप की शेप बनेगी। मैं दोबारा करके बता देती हूँ, ये मैंने कंट्रोल जी प्रेस किया है, इसे हमारे पास क्या हो जाता है, हमारे पास अंडो हो जाता है जो हमने लास्ट सेक्शन परफॉर्म किया होता है, ठीक है। आपने क्या करना है, आप ये देखें, अगर मैं ये करती हूँ तो या ये ले लें, वी प्रेस कर लें कीबोर्ड से, या ए प्रेस कर लें, मतलब सिलेक्शन टूल ले लें या डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ले लें, एक ही बात है। तो आपने क्या करना है, ये पॉइंट क्लिक करना है, एक शिफ्ट प्रेस करके सेकंड पॉइंट क्लिक करके इसे इस तरह ड्रैग कर देना, तो ये क्या होगा, ये हमारी बन गई। अब थोड़ा सा जूम कर लें और ये देखें कि ये दोनों, ठीक है, मतलब आपने इस चीज़ों का ख्याल रखना है कि इंटरसेक्ट होनी चाहिए, मिल रहे हैं, ओके, ठीक हो गया। तो ये सिंपल सी हमारी क्या हो गई है, ये बैग तैयार हो गया। अब इस पर क्या है, एक ये लगा हुआ है, तो ये कलर भी मुझे चाहिए, मैं इसको सेलेक्ट करके कीबोर्ड से आई टू पटू लेके इस पर येलो कलर ले लेती हूँ। फिर यहाँ से उठाया उसको यहाँ ले आते हैं, ठीक हो गया। फिर रेक्टेंगुलर टूल लें, यहाँ पर आके एक लाइन खींच लें, मुझे ये लाइन, ठीक है। इस पर आपने क्या करना है, इसको मिड में करना है, ये मिड में होनी चाहिए। फिर आपने क्या करना है, ये 2 पॉइंट सेलेक्ट करें, एक पॉइंट ऐसे ही, और देन शिफ्ट प्रेस करके सेकंड पॉइंट भी सिलेक्ट करके इसको नीचे की तरफ ड्रैग करें, तो ये क्या हो गया, सेम चीज़ हमारी बन गई है, ठीक है। अगर आप इसको छोटा बड़ा करना चाहते हैं तो आप सिलेक्शन टूल लें और इसको आप ऐसे खींच के क्या करें, बड़ा छोटा कर सकते हैं। फिर इसको बस आपने अलाइनमेंट का ख्याल रखना है, ये मिड में होना ज़रूरी है। ये भी हो गया। अब हमारे पास क्या चाहिए, हमें अपना लोगो चाहिए, तो लोगो मैं यहाँ से उठा लेती हूँ, ठीक हो गया। मैं यहाँ पर इसके लोगो थोड़ा, आपने शिफ्ट प्रेस करके लोगो को छोटा करना है। आपने याद उसने इलस्ट्रेटर में या फोटोशॉप में कोई भी चीज़ छोटी करनी है या बड़ी करनी है, इवन कि वो टेक्स्ट हो या स्केयर हो या कोई एलिमेंट हो, तो आपने शिफ्ट का यूज़ लाजमन करना है। इससे क्या होता है, आपके अलाइनमेंट जो है ख़राब नहीं होती, ठीक है। अभी देखें, शिफ्ट का यूज़ किया तो परफेक्ट हो गया, अगर मैं शिफ्ट के बगैर करूँ तो ये देखें अजीब सा कोई डिज़ाइन सा बन रहा, तो मैं कंट्रोल सी करके इसका शिफ्ट की हेल्प से इसे छोटा कर लेती हूँ, ठीक है। अब यहाँ से क्या करें, इसे मिड में ले आऊँ, यहाँ ऐसे थोड़ा सा इसे मैं लगा देती हूँ, नीचे कर लेती हूँ, ठीक हो गया। अब ज़रूरी नहीं होता कि आपने जो है बैक डिज़ाइन पे, अक्सर आपने देखा होगा कि यहाँ पे कंपनी का नाम भी मेंशन होता है, तो अगर आप देना चाहते हैं तो तभी ठीक है, अगर नहीं देना चाहते हैं तो तभी ठीक है आपके पास, बस आपने इन जगह पे अलाइनमेंट का ख्याल रखना है। तो ये हमारे पास सिंपल सी बैक तैयार हो गई है। अब आपने क्या करना है, यहाँ आना है और अब हमने क्या काम करना है, सबसे पहले तो हमने अपनी बाउंड्रीज लगा ली है। आपको मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि हमने सेफ्टी एरिया बना लेना है और उसके अंदर जो है ना अपना जितना भी टेक्स्ट होगा, लोगो या जो भी चीज़ होंगी वो अंदर हम करेंगे, ठीक है। यहाँ पर एक स्केयर बना लिया, यहाँ पर मैंने क्या किया, स्केयर बना लिया, इसका कलर मैं लाइक कुछ ऐसे दे देती हूँ चेंज। फिर कंट्रोल आर करके आप ये रूलर ले आएँ, फिर यहाँ पर रूलर लगा दें। ये काम बेशक आप जितने बड़े डिज़ाइनर हैं, छोटे डिज़ाइनर हैं, हम सब ये काम करते होते हैं, क्योंकि हमने बिजनेस कार्ड जब भी बनाना है उसको इसी तरह जो है ना सेफ्टी लाइंस लगा के उसके अंदर बनाना है, क्योंकि ये जो बाहर का हिस्सा देख रहे हैं ना आप, ये कट जाता है, तो क्या होता है, फिर हमने जो अंदर मतलब चीज़ें लिखी होती हैं या स्कैनर वगैरह दिए होते हैं या आइकन्स वगैरह दिए होते हैं, तो उससे क्या हो जाता है, वो चीज़ें भी कट जाती हैं,
तो फिर कस्टमर ऑफकोर्स आपको तंग करेंगे कि हमें भाई ठीक नहीं दिया आपने, फिर वो आपका कस्टमर ख़राब होता है. तो आपने बस इन चीज़ों का क्या करना है, ख्याल रखना है. ठीक है, इस तरह आपने ये आपके 5 या 10 सेकेंड लेगा, लेकिन आपने काम लाजमन करना है और जूम करके काम करना है ताकि आपका काम जो है ना बिल्कुल एक्यूरेट हो. ठीक हो गया, आप कंट्रोल जीरो कर लेते हैं क्योंकि हम अभी फिलहाल इस पे काम कर रहे हैं, तो मुझे दूसरे आर्ट बोर्ड को की जरूरत नहीं है. तो आप कंट्रोल जीरो करके जिस आर्ट बोर्ड पे होंगे वो क्या करेगा, उसी पे ही आपको ले आएगा. ठीक हो गया, अब मुझे क्या चाहिए यहाँ पे, सबसे पहले कुछ इस तरह का डिज़ाइन है वो हम बाद में देख लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें टेक्स्ट चाहिए. ठीक हो गया, मैं यहाँ पर टेक्स्ट लगा लेती हूँ. अब यहाँ पर हम जिस के लिए आप बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, जिस बंदे के लिए भी आप बनाना चाह रहे हैं, यहाँ पर उसका नाम आएगा. फिलहाल तो मैं अपना नाम दूँगी यहाँ पर क्योंकि मैं अपने लिए बना रही हूँ, मतलब एक रैंडम डिज़ाइन बना रही हूँ. ठीक है, लिखने के बाद आपने सिलेक्शन टूल या ड्रेस सिलेक्शन टूल सेलेक्ट कर लें. यहाँ से जाके आप इसकी जो है ना ये जो होती है सैंपल के तौर पे, तो यहाँ से जाके मैं मोंटी सीरस रख लेती हूँ. और यहाँ से आपने क्या करना है, जो भी आपके पास हो, जो भी फॉन्ट आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, उसमें आपने हमेशा जो नाम है वो क्या रखना है, बोल्ड में रखना है. और इसका साइज मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूँगी. ठीक हो गया, इससे इसकी कॉपी बना लेते हैं. आल्ट प्रेस आपने क्लिक किया, आल्ट प्रेस करके आपको देखेंगे टू माउस आपके पास आ रहे हैं. ठीक है, टू सॉरी कर्सर आपको शो हो रहे हैं. तो आपने जब आल्ट प्रेस करेंगे तो टू कर्सर शो होंगे. तो आपने क्या करना है, इस तरह ड्रैग करके उसकी कॉपी ले लेनी है यहाँ पे. अब वो बंदा कौन है, फाउंडर है, मैनेजर है, मार्केटर है, मतलब जो भी होगा आपने उसकी मतलब वो फील्ड यहाँ पर मेंशन करनी है. तो मैं ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ, यहाँ पे मैं ग्राफिक डिज़ाइनर लिख देती हूँ. ठीक है, फिर आप ये ले लें यहाँ पे, इसका साइज़ हमेशा छोटा होगा. और ये आपने क्या करना है, सम टाइम सेमी बोल्ड आता है, सम टाइम मीडियम आता है, मतलब जैसे उस बंदे की मर्जी है आपने उसी तरह आपने लिख देना है. ठीक हो गया, ठीक है. अब आप इस पर जूम करें और आप देख लें कि ये क्या इसकी अलाइनमेंट हुई हुई है. तो आपने क्या करना है, रूलर लगाना है यहाँ पर और इतना कंप्लीट जो है ना आपने चेक करनी है कि बिल्कुल एक्यूरेट जो ना, मतलब 19-20 का फर्क हो सकता है लेकिन ज़्यादा जो है ना डिफरेंस ना हो. आपने रूलर लगा के हमेशा अलाइनमेंट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना. ठीक हो गया, अब सेकंड चीज़ ये डिज़ाइन है. यहाँ से फिर मैं रेक्टेंगुलर टूल ले लेती हूँ. यहाँ से आप क्या करें, यहाँ से एक रेक्टेंगुलर रैंडम सा रेक्टेंगुलर ड्रॉ कर लें. ठीक हो गया, इसका कलर जो है हम यहाँ से आई पेपर टूल लेके मैं ये वाला रख देती हूँ. ठीक हो गया, अब यहाँ पर आप देखें ये लीफ टाइप बना हुआ है. तो ये आपको ये 4 पॉइंट्स, ये पॉइंट्स जो है नज़र आ रहे हैं. मैंने क्या किया, एक इस पॉइंट को पकड़ा है और इस तरह कर्व कर लिया, और एक इस पॉइंट को पकड़ा है और इस तरह कर लिया. तो देखें ये बन गया. आप इस तरह से शेप्स को यूज़ करते हुए डिफरेंट डिज़ाइन जो है वो क्रिएट कर सकते हैं. ये सिंपल सा एक मेरे पास ये क्या हो गया, डिज़ाइन बन गया. अब इसमें मेरे पास बारकोड स्कैनर है, ये है मैंने. अब देखें यहाँ पर कलर चेंज है और यहाँ पर कलर चेंज है, तो ऐसा हो सकता है. ठीक है, मैंने क्या किया, यहाँ पर पीछे बैकग्राउंड रख के ऊपर लाइट कलर देती है, और पीछे लाइट बैकग्राउंड रख के जो है ना आप जो लोगो होता है ना उसका कलर चेंज कर सकते हैं. मतलब एक जगह आपने ओरिजिनल दिया और एक जगह आप उसका थोड़ा बहुत कलर चेंज कर सकते हैं अपने बैकग्राउंड के लिहाज से. ये इतना जो होता है अलाउ होता है. मैं क्या करती हूँ, मैं आपको बता देती हूँ कि कलर कैसे चेंज करते हैं. तो यहाँ से आप क्या करें, आल्ट प्रेस करके ड्रैग करके कॉपी बना लें. अभी देखें अगर मैं वाइट यहाँ रखती तो क्या होता, नज़र नहीं आता. ठीक है, तो कलर चेंज करने के लिए आपके पास तो एक बेस्ट ऑप्शन आती है कि आप यहाँ पर इन्हें अनग्रुप करें, फिर इनका कलर चेंज करें. तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन आप किसी भी जगह पर डबल प्रेस क्लिक करेंगे, ठीक है, तो आपकी एक चीज़ स्पेसिफिक सिलेक्ट हो जाएगी. लेकिन हम क्या करते हैं, अनग्रुप करके ही कर लेते हैं. ठीक हो गया, मैंने इसको पकड़ा, अनग्रुप किया. अब ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है. आई ड्रॉपर टूल लें और इसको ये वाला कलर दे दें. ठीक है, बस आपने ये ध्यान रखना है कि आपने कलर जो है ना, अब यहाँ से ये जो है रिमूव हो गए, ये अक्सर हो जाता है. तो मैं यहाँ से क्या करती हूँ, दोबारा यहाँ से उठा के इसे यहाँ पर ले आते हैं, अलाइन कर लेते हैं मिड में. इसका साइज मैं शिफ्ट प्रेस करके इसे छोटा कर लेती हूँ, फिर यहाँ से इसको अलाइन कर देते हैं. ठीक हो गया, अगर आप बड़ा करना चाहें तो आप बड़ा कर लें. ठीक है, बस अलाइनमेंट का आपने ख्याल रख लेना. ठीक हो गया, अब यहाँ से और क्या चीज़ें हमारे पास, ये बारकोड स्कैनर है, यहाँ से उठाया यहाँ लेके, इन सब की भी अलाइनमेंट हम देख लेते हैं. देन इसके बाद ये सब कुछ है, तो इन सबको क्या करना है, सिलेक्ट करके मैं ग्रुप कर देती हूँ और यहाँ से इसको उठा के ले जाती हूँ. ये मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि हम ये चीज़ें कहाँ से लेके आते हैं, तो आप लास्ट वीडियो को जाकर देख सकते हैं. ठीक हो गया, अब ये छोटा है तो आप क्या करें, इसको इस तरह ऊपर खींच लें, इसको यहाँ से और कर लें. ठीक हो गया, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं इसको. ठीक हो गया, वो यहाँ लें, इनको मैं एडजस्ट कर लेती हूँ. इसको फिलहाल मैं यहाँ बाहर निकाल लेती हूँ. अब ये जो है इसका कलर मैं चेंज करके इन दोनों को एक साथ पकड़ लेते हैं, शिफ्ट प्रेस करके दोनों को पकड़ लें, आई ड्रॉपर टूल लें, और मैं इसका कलर जो है मैं ये रखना चाह रही हूँ. तो थोड़ा सा मैं डार्क की तरफ जाना चाह रही हूँ. ठीक होगा, तो ये कलर हम इस तरह का कुछ रख लेते हैं, ये इतना फील नहीं हो रहा. ठीक हो गया, अब इसकी जो अलाइनमेंट है ना और इनकी अलाइनमेंट क्या होनी चाहिए, अब इसको सिलेक्ट कर लें और राइट क्लिक करके माउस से इन्हें ग्रुप करें. अब इसकी और इसकी अलाइनमेंट क्या होनी चाहिए, बिल्कुल सेम होनी चाहिए. तो मैं यहाँ थोड़ा सा बड़ा कर लेती हूँ. ठीक होगा, ये और दोनों को सिलेक्ट करें.
ठीक हो गया। लेकिन ये देखें, अगर आप ऐसे अलाइनमेंट करते हैं ना, तो ये फिर भी इसका जो है ना कुछ पार्ट बाउंड्री के बाहर जा रहा है, वो क्या होगा, वो ट्रिम हो जाएगा। तो आपने कोशिश करनी है कि ये बिल्कुल इनसाइड जो आपका लोगो है या आपका कोई टेक्स्ट है, वो आपकी बाउंड्री लाइन्स के अंदर अंदर ही रहे। ठीक हो गया, अलाइनमेंट्स का आपने खास ख्याल रखना। ये तो हो गया एक चीज। अब नेक्स्ट चीज़ आपने ये चीज़ प्लेस करनी है, तो इसको आपने छोटा करना है, तो शिफ्ट प्रेस करके ही आप छोटा करेंगे। ठीक हो गया। अब यहाँ पे मैं करती हूँ, ठीक हो गया, ये आप ट्रांसफॉर्म कर अरेंज कर लें, सेंड टू बैक। ठीक हो गया, और थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। अब आपने ये जो अलाइनमेंट है ना, मतलब ये अलाइनमेंट इसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। रूलर आपने लगाया हुआ है, तो आप इसे उठा के करते हैं पीछे की तरफ ले जाते हैं। ठीक हो गया। और यहाँ जो हमने सेफ्टी लाइन लगाई है, इसे ऊपर ऊपर है। अगर ये ब्लू वाला पार्ट अगर सेफ्टी लाइन से नीचे चला जाता है, तो ट्रिम भी होता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आपका ये वाला पार्ट ये नीचे चला जाता है, तो तब फर्क पड़ेगा। ठीक हो गया, तब फर्क पड़ेगा, क्योंकि आपकी ये मेन चीज़ें, ये क्रॉप नहीं होनी चाहिए। तो मैं इसको थोड़ा सा नीचे ले जाती हूँ। ठीक हो गया। अब सेम काम करेंगे, एक यहाँ से और एक यहाँ से कर। ठीक है, इसको थोड़ा सा और बड़ा करना पड़ेगा हमें, क्योंकि अभी ये सही बैठ नहीं रहा। तो यहाँ सॉरी, आपने यहाँ ने एक पॉइंट पहले क्लिक करना है, देन उसके बाद इसको मूव करना है। इस पॉइंट को क्लिक करना है, देन इसके बाद इसे खींच लेना नीचे लाइक ऐसे। ठीक हो गया, ठीक हो गया। इसको मैं थोड़ा सा ऐसे कर लेती हूँ, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं। ठीक हो गया। ठीक है, अब ये जो एरिया है, ये क्या हो जाएगा, ट्रिम में कट हो जाएगा, और ये वाला पार्ट भी ट्रिम में क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। सेव नहीं करते हमें अभी, क्योंकि कुछ भी चेंजिंग करनी पड़ सकती है। तो मुझे ये डिज़ाइन अब मुझे थोड़ा सा बेहतर लगा। जो ये गुब्बार है, तो इन्हें हम क्लिप कर देंगे, या बिल्डर टूल से जो है ना, हम इसको, मैं अभी आपको बता दूंगी हम इनको कैसे जो है ना रिमूव कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब ये जो है ना, इसके अकॉर्डिंग अलाइन करना है, मतलब ये जो हाईलाइटेड हो गया, अब आपने इसको इसके अकॉर्डिंग अलाइन कर लेना। ठीक हो गया। और इसको क्या करें, इसको इसके अकॉर्डिंग नीचे लें। ठीक हो गया। तो ये आपका एक छोटा सा डिज़ाइन रेडी है। अब बात रही इन चीज़ों की, अब आप कस्टमर को ऐसे तो नहीं भेज सकते ना, मतलब इस तरह तो नहीं भेज सकते बिल्कुल भी। तो हम क्या करते हैं, राइट क्लिक करें ये टूल पे, ये हमारे पास शेप बिल्डर टूल होता है, इसकी मदद से हम क्या करते हैं, इसे रिमूव कर सकते हैं। ठीक हो गया। आपने पहले क्या करना है, इसके ऊपर एक जितना आपने टेक्स्ट एरिया रिमूव करना है उस पर आप रखें, फिर आप क्या करें, इन दोनों को क्या करें, सिलेक्ट कर लें, देन शेप बिल्डर टूल, ये हमारे पास राइट क्लिक करेंगे तो पहले ही ऑप्शन आ रहा होगा शेप बिल्डर टूल का, इसको प्रेस करते हुए आपने क्या करना है, आपके पास आप इस पर ऐसे क्लिक कर लें। ठीक है, ऐसे माउस से ड्रैग कर दें, तो ये क्या हो जाएगा, सेपरेट आपका हिस्सा बन जाएगा। अगर मैं इसे मिटाऊं तो क्या हो गया, सेपरेट बन गया। तो आप इसे बैक स्पेस से डिलीट करके इसे रिमूव भी कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो बाकी चीज़ों की हमें ज़रूरत नहीं है, इनको क्या करें, आप रिमूव कर दें। ठीक है, तो अब हमारे पास हमारा छोटा सा डिज़ाइन एक रेडी है। अब मुझे लग रहा है इसको थोड़ा सा बड़ा कर देना चाहिए, तो आप क्या करेंगे, इसे थोड़ा सा बड़ा कर लें। ठीक हो गया। तो हमारे पास एक सिंपल सा डिज़ाइन रेडी है, बाकी एक्स्ट्रा चीज़ें भी आप क्या करें, यहाँ से रिमूव कर दें।